तो गाइस वेदर चेक करें यार, अब वेदर कितना प्यारा है यार। आपका भाई शिकागो एयरपोर्ट से बाहर आ चुका है। ये रहा, हम अभी खड़े हैं अराइवल 5D पे। ये मैंने आपको दिखा भी दिया है और अब आपको दिखाने वाले हैं शिकागो की खूबसूरत और खूबसूरत सड़कें। मतलब ये कि बहुत ही खूबसूरत सड़कें आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ के रोड, यहाँ का ब्यूटीफुल जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से शिकागो काफ़ी फेमस भी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप सबका लियेज। वेलकम करते हैं अपने एक और शानदार व्लॉग में। सो गाइस, ये वाला जो व्लॉग है ये बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। मैंने आपसे कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था कि एक सरप्राइज़ है जो मैं इंशाल्लाह आपको अनकरीब दूँगा, तो वो सरप्राइज़ यही था यार। उस सरप्राइज़ की वजह ये भी थी कि मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था। अब इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग भी होगी और वजूहत सिंपल है कि आपका भाई जा रहा है USA, मतलब अमेरिका। तो अमेरिका जा रहे हैं और बस अब निकलने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर। तो बस पाकिस्तान में इतना ही था टाइम गुजारने के लिए, वो गुजार लिया है। टिल वी मीट अगेन। अब ये है कि सारे बच्चा पार्टी यहाँ पर मौजूद हैं, भाई भाई सब तैयार हो गए हैं और अपने एक भाई से आपको मिलवा रहा हूँ। आपने इनको स्टार्टिंग में जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी जब, तो आपने इनको बहुत देखा होगा। तो आज आपको वापसी मिलाएंगे जब पाकिस्तान को अलविदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं रुबान भाई। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक ठाक जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज आपको छोड़ने के लिए हम बहुत दूर से आए हैं, छोड़ कर आएंगे वापस जो है आपको, मतलब कंप्लीट छोड़ के ही आना है। हाँ, छोड़ के आए, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। सही है, अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पर अमेरिका, तो कोई पैगाम मेरे लिए पैगाम लगा के अपना काम करना, दिल लगा के घूमना, किसी से दिल लगा देना। आप कुछ खाओ, मैं जा रहा हूँ, कुछ खाओ। मैं अमेरिका जा रहा हूँ, आप कहाँ जा रही हो? हाँ, मुझे छोड़ने जाओगी? सही है, तो मैं जाऊँ, तू जा रहे हो? हाय बोल दो, शादमान हाय बोलो। चलो, सो गाइस ये सीन है कि बस अब निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। इंशाल्लाह आप सब मेरे साथ ज्वाइन हो जाएंगे एयरपोर्ट पर। और एयरपोर्ट के अलावा अबू धाबी में हमारा स्टे है थोड़े, मतलब ये कि 3 से 4 घंटे का, देन हम नॉन स्टॉप जाएंगे डायरेक्ट अमेरिका। तो जितना भी सफ़र है, जितना इंटरटेनमेंट मैं करूँगा, जितना इन्जॉय करूँगा, मेरे साथ आप भी इंजॉय करते रहेंगे। सो मिलते हैं अब आपसे एयरपोर्ट पर। तो गाइस एयरपोर्ट पे यार फाइनली पहुंच चुके हैं और देखें यार, दोस्त हो तो ऐसे हो। बहादुर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये मुझे यहाँ पर बिल्कुल अलविदा करने आए हैं। बात भाई भी आए, कंप्लीट अलविदा करेंगे, बोला वापसी मतलब बेल्ट लगा कर आएंगे, ऊपर तक बिठा कर आएंगे, पायलट को बोल के कि वापस नहीं छोड़े। और आप कुछ कहना चाहते हो? वो भी बांध के आएंगे साथ। भाई अब आपका भाई जा रहा है अमेरिका, कोई खास पैगाम मेरे लिए? भाई दुआएं, बहुत सारी दुआएं हमारी तरफ से, अल्लाह बहुत कामयाब करे आपको। और बिल्कुल यार बड़ी खुशी हुई कि आप जा रहे हो वापस, नहीं आना मेहरबानी कर। और आप भी कुछ कह दें? यही है, नहीं मैं आपको कहना है सेम टू यू, सेम टू थोरिया डॉन। अस्सलाम वालेकुम बॉस, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम यार, कोई पैगाम मेरे लिए? मैं जा रहा हूँ अमेरिका यार। बस पैगाम ये कि वहाँ से डॉलर भेज देगा बस। अब तेरी है बेटा, जाओ वापस। सला साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आप भी कुछ देते हैं यार पैगाम? खैर से जाएं आप, दुआ में याद रखेगा आप। हाँ, अभी सबके साथ हो चुके हैं, अब आपका भाई मिलवाएगा आपको अपने बड़े भाई से। पहले छोटे भाई से मिलवाते हैं, उसके बाद फिर आपको अपने बड़े भाई से मिलवाते हैं। हाँ भैया, नहीं ये रह गया था यार, आपको गुड बाय करने के लिए आया। हाँ, गुड बाय कर रहे हो?
नहीं अभी करेंगे करोगे अभी मैकडोनल्ड्स खाने के बाद करेंगे मर्दी है भाई हमारा सूर्या मैकडोनल्ड्स लाएगा सूर्या हाँ तनी भाई भाई करियर से जाओ और जल्दी हमें बुलाओ यार हाँ बड़े तरसे हुए बंदे हैं ये बोल रहा है सूर्या मुझे वहाँ से डॉलर भेजना अब मोमिन भाई मोमिन भी साथ ही हमारे हाय बोलो हेलो यार अभी मैंने बोला तो गाइस ये सीन है कि आपका भाई जा रहा है अमेरिका और सबसे मुलाकात कर ली है एक मेमोरी बनानी थी इनके साथ वो मेमोरी बना ली है यार और इंशाल्लाह जहां जहां आपका भाई जाएगा अमेरिका में भी वहां वहां ये ब्लॉग बनते रहेंगे नए से नए और एंटरटेनमेंट चलती रहेगी फुल अप तो अब ये है कि गाइस विद इन लाइक 5-10 मिनट हम चले जाएँगे यार अंदर तो वहाँ मेरे ख्याल से वीडियो बनाना फिलहाल जो फ्यू सेक्शन है वहाँ अलाउ नहीं है तो जैसे ही हम ये चीज़ें पार कर लेंगे इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगी उसके बाद आपको ज्वाइन कर लेंगे वापस सो गाइस मेरी यार इमिग्रेशन और बोर्डिंग सब क्लियर हो गई है और आपका भाई इस टाइम बस वेट कर रहा है लॉबी में बैठे हुए और फ्लाइट का वेट कर रहे हैं यार क्योंकि भाई बहुत टाइट आज के मैंने मतलब लाइफ के अंदर इतना ट्रैवल किया है सबसे ज़्यादा जो सख्ती मैंने आज देखी है ना मतलब बैग खुलवा रहे हैं और जो US नेशनल भी उनकी भी मतलब हर चीज़ देखी गई है सही से कि इस तरह से आपको लेके जा रहे हैं इतना सामान कैसे लेके जा रहे हैं तो मतलब मैं तो बिल्कुल शौक हो गया था यार इतनी मतलब ज़्यादा यार आज सख्ती ऐसा हो क्या रहा है यार ऐसा तो खैर एक घंटा या डेढ़ घंटा हमें लगा वहाँ पर पूरी चेकिंग के अंदर चेकिंग में जब डेढ़ घंटा लग गया पूरा उन्होंने जो उनको करना था चेकिंग वेकिंग वो कर लिए देन हम वहाँ चले गए अपना इमिग्रेशन पहले बोर्डिंग की टिकट लिए टिकट लेने के बाद अपना इमिग्रेशन तो शुक्र है इमिग्रेशन के ऊपर इतनी चेकिंग मतलब उन्होंने सवाल जवाब इतने ज़्यादा नहीं किए बहुत अच्छे बंदे थे तो जल्दी मतलब ये कि चेक किया और क्लियर कर दिया तो भाई यही है आपका भाई वेट कर रहे हैं पर लॉबी के अंदर और मेरे ख्याल से आधे एक घंटे के अंदर हमारी फ़्लाइट आ जाएगी देन फ्लाइट में बैठेंगे और छू मंतर हो जाएंगे तो यहाँ से अबू धाबी जाना है तो धाबी में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी जब तक के लिए ख्याल रखिए मिलते हैं आपसे अबू धाबी में सो गाइस फाइनली यार फाइनली भाई यहाँ पर अबू धाबी के एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं मतलब दो घंटे की फ़्लाइट थी दो घंटे की फ़्लाइट का सफ़र किया और फाइनली आपका भाई अबू धाबी पहुँच चुका है और अंकल मेरे साथ अंकल कैसा रहा आपका सफ़र मज़ा आया अंकल जी आपके साथ मुझे मज़ा आया हाँ बहुत मज़ा आया बस मज़ा भी बहुत आया और एक छोटी सी गलती भी यहाँ पर हो गई थी बस जैसे लैंड किया आप बैग उतार रहे थे और बैग उतारते उतारते छोटा सा बैग लग भी गया थी तो उसकी हमने माजरत भी कर ली खैर ये आपको अब मैं दिखा रहा हूँ अबू धाबी का एयरपोर्ट जो कि मतलब माशाल्लाह यार पाकिस्तान के अलावा सारे एयरपोर्ट ही अच्छे हैं ऐसे तो अब ये देखें एयरपोर्ट चेक करें वाओ अमेजिंग यार तो भाई पाकिस्तान से आप बाहर निकलोगे आपको हर एयरपोर्ट हर चीज़ अच्छी लगेगी लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट जो मज़ा जो आयाशी और बादशाह वाली अगर ज़िंदगी आपको जीनी है तो आप पाकिस्तान में रहें लेकिन अगर आपको वाकई खुददार बनना है स्ट्रगल करना है देन आपको पाकिस्तान से फिर निकलना पड़ेगा बाहर तो बस इसलिए हम भी निकल गए पाकिस्तान से बाहर अब ये कि फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद वापसी इस ब्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे तो स्टे ट्यून्ड थोड़ा सा इंतज़ार करें
सो गाइस सीन ऐसा ही है यार कि आपको भाई जैसा कहा था कि फ्रेश होना, फ्रेश होने के बाद इस व्लॉग को थोड़ा और कंटिन्यू करना है, थोड़ा और लंबा करना है, क्योंकि यार 4 घंटे यहाँ पर हैं और 4 घंटे मतलब वही बात है, टाइम किलिंग करना है, मतलब टाइम को किल कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं, अब आपको मैं दिखा रहा हूँ अबू धाबी का एयरपोर्ट। यार मेरे गरीबों, मेरे गरीब गरीब दोस्तों, तुम देखो, और उसके बाद तुम्हारा खुद का दिल करेगा यहाँ आने का। तो यहाँ पर लाजमी आना है भाई, अबू धाबी का एयरपोर्ट देखना है, और यहाँ से फिर आपको आना ही होगा। तो ये देखें आप, माशाल्लाह, ये आप चेक करें, क्या बात है यार, आउटस्टैंडिंग बना हुआ, मतलब अल हमाद एयरपोर्ट, वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद हम यहाँ की बात करते हैं, ये अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसकी भी बात भाई अलग ही है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत है, और होपफुली आप सबके पास भी टाइम बहुत होगा। तो ये पूरी वीडियो, जो भी मैं जितना इंजॉय मैं कर रहा हूँ, उतना इंजॉय आपको भी करना है। तो ये है कि आप देखें यार, ये पूरा जो माहौल बना हुआ है, और ये वाला जो लुक है ना, ये जो व्यू आ रहा है, ये सबसे टाइट है। ये ऊपर से चेक करें आप, बहुत वीआईपी लुक आ रहा है, और इन्होंने अपनी ट्रेडिशनल चीज़ें जो होती हैं वो भी बहुत लगाई हुई यहाँ पर। सो गाइस इट्स अमेजिंग यार, मतलब मुझे तो खैर बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। अगर देखें, वही बात है, पाकिस्तान में रहोगे तो बहुत अच्छी ज़िंदगी पाकिस्तान में, बादशाह वाली ज़िंदगी आपकी होगी, लेकिन अगर सोचते हो कि लाइफ में कुछ बनना है, कुछ बड़ा करना है, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए, तो निकलना पड़ेगा भाई आपको, बाहर निकलो, एक जो आप कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, और स्ट्रगल करो, अप्लाई करो, अप्लाई करते रहो, जो डेस्टिनेशन आपके लिए अच्छी होगी, वहाँ आप लाजमी पहुँचोगे, इस बात की गारंटी इंशाल्लाह मेरी है। ये चीज़ भी देख लें आप, मतलब यार हरियाली से लेके हर तरह की हरियाली है यहाँ पर, तो भाई ये सीन है। तो यहाँ पर आ गए, अभी 12 हमारा गेट है, वहाँ पर आना है, और अभी आप ये चेक कर सकते हैं, जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें, अभी भाई टाइम बहुत है, बहुत टाइम है, तो क्या करें, टाइम को तो किल करना है, तो किल करने में लगी मैं टाइम को। तो अब यही है, आपसे प्रॉमिस किया था इस व्लॉग को थोड़ा लंबा करने का, और आपसे गपशप लगाने का, वो लगा लिए। अब आपसे जो मुलाकात होगी वो होने वाली है कहाँ पर, शिकागो के एयरपोर्ट पे, और आपको फिर बाहर और फिर आपको बाहर का माहौल भी दिखाएंगे, शिकागो जैसे एयरपोर्ट से हम बाहर निकलेंगे, बाहर कैसा माहौल है। बस वही बात है गाइस, जितना मज़ा मैं करने वाला हूँ उतना मज़ा आप भी करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस यार, फाइनली आपका भाई शिकागो पहुँच चुका है यार, मतलब इतना लंबा सफ़र करने के बाद, और खुशी जो मिल रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि एक ड्रीम था शिकागो, मतलब यूएस आने का, और अल्लाह पाक ने वो ड्रीम पूरा किया है। और अभी देखें, बैग वैग सब ले लिए, अब बस बैग को ले गया ना, अंकल सामने बुला रहे हैं, तो अंकल के पास जाना है, जस्ट वेट। सो गाइस वेदर चेक करें यार, अब वेदर कितना प्यारा है यार, आपका भाई शिकागो एयरपोर्ट से बाहर आ चुका है, ये रहा हम अभी खड़े हैं अराइवल 5D पे, ये मैंने आपको दिखा भी दिया है, और अब आपको दिखाने वाले हैं शिकागो की खूबसूरत और खूबसूरत सड़कें, मतलब ये कि बहुत ही खूबसूरत सड़कें आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ के रोड, यहाँ का ब्यूटीफुल जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से शिकागो काफ़ी फेमस भी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो बस अभी ये कि इधर ही खड़े हैं, आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल मौसम चेक करें, मौसम जैसा हो रहा है अभी, और अब ये है कि मौसम तो बेहतरीन है अब, और यहाँ पर इस मौसम में हम भी बेहतरीन हो गए, क्योंकि यार पाकिस्तान में और कराची के अंदर बहुत गर्मी है, और जब मैं यहाँ आया तो अब मुझे यहाँ पर मौसम ऐसा मिल गया है भाई, आपको बताऊँ ना, दिल की बात बताऊँ तो हल्की फुल्की यहाँ पर अब मुझे ठंड भी लग रही है, मतलब मौसम बहुत अच्छा है, थकावट भी बहुत हो गई है यार। आपको पूरी स्टोरी, अब ये कि आपको पूरी स्टोरी सुनाऊँगा, 2 मिनट की होगी, आपको सुनी होगी वो, लेकिन यहाँ नहीं, बस अभी आपको गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ जाएगी, उसमें बैठेंगे, जब हम घर पहुंच जाएंगे, घर पहुंचने के बाद आपको फिर थोड़ी सी स्टोरी सुनानी है, जो आना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी, फिर तो लाजमी सुनी है। तो बस आपसे मिलते हैं अब थोड़ी देर में।
सो गाइज हेयर वी आर। तो फाइनली यार मैं इमिग्रेशन से भी क्लियर हो गया था, वो तो मैंने आपको फिर बता दिया था, और एयरपोर्ट का जो बाहर का नज़ारा वो भी दिखा दिया था, हर चीज़ आपने देख ली है। और अभी मैं टाइम अपने अंकल के घर पर मौजूद हूँ, और इस टाइम मैं डाउनस्टेयर्स का एक रूम है वहाँ मौजूद हूँ। आप ये चेक करें, पूरा प्लेइंग एरिया बनाया हुआ है, और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा बैकयार्ड। ये आप चेक करें, ये भी आपको बाहर जा कर दिखाएँगे, क्योंकि अभी ये जो मैंने बोला ना दिखाएंगे, इसकी वजह ये है कि वो बाद में दिखाएंगे, अभी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, सो आई नीड सम रेस्ट। तो आराम करना है थोड़ा, उसके बाद आपको दूसरे ब्लॉग में हर चीज़ दिखाएंगे। लेकिन बस बताना यही था यार, अगर आपका भी इरादा है US आने का तो लीगल तरीके से आना है, इलीगल तरीका कोई अपनाना नहीं है, सिंपल है यार, मेहनत करो, मेहनत कभी रायगा नहीं आती है। और अगर आपने 12 फेल मूवी देखी हुई है उसको फॉलो करना है, मतलब हो गया रिजेक्ट, रीस्टार्ट, वापसी रीस्टार्ट करें, और इसी तरह से रीस्टार्ट करते करते एक दिन ऐसा होगा कि आप भी मेरी तरह USA पहुंच जाएंगे, और जब USA पहुंच जाएंगे ये आपके हाथ में होगा, और ऐसे खेलते रहेंगे आप। गाइस ये सीन है, आपको शिकागो भी आए हैं, शिकागो की हर चीज़ दिखाएंगे आपको, इससे आप बेफिक्र रहें। और इसी के साथ आप मुझे भी बस दुआएं कर देते रहें कि यार अल्लाह पाक जिस मकसद के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, अल्लाह पाक मुझे अपने मकसद में कामयाब करे। तो अब ये है कि यार आपसे मिलेंगे अपने नए ब्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।